आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। और अब वक्त तो चला है प्राइम चर्चा का, जिसमें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और जनता के बीच जाकर अपने समर्थन को मजबूत कर रहे हैं, और इन्हीं तैयारियों के बीच प्रत्याशियों की दावेदारी भी जोर पकड़ रही है। ऐसे ही एक कर्मठ प्रत्याशी चर्चा में है, जो शाजापुर जनपद के जलालाबाद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के दावेदार के रूप में ताल ठोकती नजर आ रही है, जिनका नाम कुरमीत कौर है, जो जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया की धर्मपत्नी है। एडवोकेट चश्मपाल सिंह राजा भैया जो जनपद का जाना माना नाम है, जो पिछले 15 सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अपने पेशे यानी वकालत के माध्यम से भी निशुल्क और निस्वार्थ रूप से आम जनता की हर समस्या के लिए खड़े नजर आते हैं। आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ मौजूद है शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया। प्राइम चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते जगह जगह पर कई आयोजन किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, उसी के चलते कई जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता रहे हैं कि गुरमीत सिंह अपने दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, जो कि चश्मपाल सिंह की धर्मपत्नी है। आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ मौजूद है शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया। तो आइए, चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया का आज हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चश्मपाल सिंह जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आवाज सुन पा रहे हैं जी? आपका हमारे प्राइम चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपका आवाज आ रही जी? आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लगातार जनता के लिए खड़े होते हैं, कैसे जनसेवा और अपने काम में सामंजस्य बिठा पाते हैं? सॉरी, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। हेलो, हमारे साथ इस वक्त चश्मपाल सिंह मौजूद हैं, जहां आप एक प्रसिद्ध, क्या आप सुन पा रहे हैं? चश्मपाल 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते जगह जगह पे जनसभाएं और कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते तमाम लोग अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ मौजूद हैं चश्मपाल सिंह, जो आज के प्राइम चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया से आज हम प्राइम चर्चा में चर्चा करेंगे। दो हजार बाईस का विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते तमाम रैलियां और विजय रथ यात्रा का जगह जगह पर आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया की धर्मपत्नी दावेदारी अपनी मजबूत कर रही हैं, जहां एडवोकेट चश्मपाल सिंह राजा भैया जो जनपद का जाना माना नाम है, जो पिछले 15 सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अपने पेशे यानी वकालत के माध्यम से भी निशुल्क और निस्वार्थ रूप से आम जनता की हर समस्या के लिए खड़े नजर आते हैं। आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ मौजूद है शाजापुर के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चश्मपाल सिंह उर्फ राजा भैया, जो हमारे कार्यक्रम में, जिनका आज हम स्वागत करने वाले हैं।
तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज प्राइम चर्चा में चशपाल सिंह, वरिष्ठ एडवोकेट चशपाल सिंह से आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम कांग्रेस के प्रति क्या उनका रवैया रहेगा, किस तरीके से आने वाले 2022 के चुनाव में वो अपनी दावेदारी मजबूत करने वाले हैं। शाजापुर जनपद की जलालाबाद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के दावेदार के रूप में ताल ठोकती नजर आ रही है, जिनका नाम है गुरमीत कौर, जो जनपद के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चशपाल सिंह उर्फ राजा भैया की धर्मपत्नी है। एडवोकेट चशपाल सिंह राजा भैया जो जनपद का जाना माना नाम है, जो पिछले 15 सालों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं और अपने पेशे यानी वकालत के माध्यम से भी निशुल्क और निस्वार्थ रूप से आम जनता की हर समस्या के लिए खड़े नजर आते हैं। आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चशपाल सिंह उर्फ राजा भैया। तभी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं वरिष्ठ एडवोकेट चशपाल सिंह उर्फ राजा भैया। आप क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पहुंचे हैं आज गुरमीत सिंह, जिस जो वरिष्ठ एडवोकेट चशपाल सिंह की धर्मपत्नी है। एडवोकेट चशपाल सिंह राजा भैया को जनपद का जाना माना नाम है, जो पिछले 15 सालों से जनता की सेवा करते नजर आ रहे हैं और अपने पेशे यानी वकालत के माध्यम से भी निशुल्क और निस्वार्थ रूप से आम जनता की हर समस्या के लिए खड़े नजर आते हैं। आज की प्राइम चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं शाजापुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एडवोकेट चशपाल सिंह और राजा भैया। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चशपाल सिंह जी, आपको हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, तो चशपाल सिंह, आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लगातार जनता के लिए खड़े होते हैं, कैसे जनसेवा और अपने काम में सामंजस्य बिठाते हैं? चशपाल सिंह, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बीच में से कट जाती है जी। चशपाल सिंह, आप एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और लगातार जनता के लिए खड़े होते हैं, तो कैसे जनसेवा और अपने काम में सामंजस्य बिठा पाते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। वकालत के माध्यम से भी अगर कोई गरीब व्यक्ति आता है जो सक्षम नहीं है अच्छा वकील करने के लिए, अच्छा एडवोकेट करने के लिए, तो मैं उनकी निःशुल्क सहायता करता हूं। यहां तक कि उनसे जो टाइपिंग वगैरह के पैसे होते हैं वो भी नहीं लिए जाते, और सेवा भाव का जज्बा है क्षेत्र में, और भी बहुत कुछ करने का मन है, और अगर जनता इस बार मौका देगी तो अवश्य ही दिलो जान से मैं भरपूर सेवा कर पाऊंगा अपने विधानसभा जलालाबाद 132 से। जी चशमाल सिंह जी, आप जैसे कई सालों से कांग्रेस में हैं और पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अगर आपको अंतर करने के लिए कहा जाए तो आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, अंतर तो क्लियर है, स्पष्ट है, क्योंकि जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी वो फाइव स्ट्रक्चर पे चलती थी, आम आदमी की पहुंच उन तक बहुत मुश्किल थी, उनसे मिला नहीं जा सकता था, उन्हें मिलने के लिए बार बार चक्कर काटे जाते थे। यही मुख्य वजह रही कि आम जनता से बड़े नेता दूर होते गए हमारी कांग्रेस के, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये कि जो दूसरे यहाँ पे
दूसरे क्षेत्रीय दलों के नेता थे उन तक पहुंचना आसान था, लोगों की पहुंच आसान थी, उन्होंने उनसे संपर्क किया और धीरे 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 जुड़ते हुए हम लोगों को आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि माननीय प्रियंका जी को बहुत मेहनत कर रही है, जमीनी स्तर से फिर से स्टार्ट करना पड़ा है सब कुछ, बस यही मुख्य कारण। और दूसरा पार्टियों का जो क्षेत्रीय उसका जो क्षेत्रीय पार्टियों से समझौते होते रहे बार बार, वो भी कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जी। क्योंकि जब हम किसी को स्वयं दूसरे घर का रास्ता दिखाएंगे तो एक बार जब आपका अपना बंदा दूसरे घर जाता है तो बहुत मुश्किल से वापस ला मिलता है, फिर वो मेरे हिसाब से ये मुख्य कारण है मैम। जी जसपाल सिंह जी, जिस तरीके से आप कांग्रेस में कई सालों से रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव इस बार का जो चुनाव है 2022 का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस नेताओं के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए करो या मरो वाला, अगर हमें अपनी शाख बचानी है तो निश्चित रूप से इस बार हमें जनता की सेवा करनी होगी, जनता के लिए काम करना होगा, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनकी आवाज उठानी पड़ेगी, निश्चित रूप से उनकी सहायता नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत दिक्कतें आएंगी। और मेरे हिसाब से जो भी इस समय जुड़ा है कांग्रेस में, बड़ी मेहनत और लगन से जो प्रत्याशी जो भी कहीं से टिकट के आवेदन किए हुए हैं सभी जान से लगे हुए हैं, और माननीय प्रियंका जी भी पूरे अपने हैं और हर एक कैंडिडेट का अलग से उनके पास रिपोर्टें जा रही हैं, तो कोई ये नहीं समझे कि काम कोई और करेगा और उसका दूसरे कोई और ले जाएगा, प्रेशर बिल्कुल नहीं होने वाला जी। जसपाल सिंह जी, जैसा कि आप सब आप जानते हैं कि जब से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभाली है, उसे कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा है आपके अकॉर्डिंग? माननीय प्रियंका जी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है उत्तर प्रदेश में, तब से कार्यकर्ताओं में एक जोश मनोबल है, नई ऊर्जा आ गई है कार्यकर्ताओं में, और माननीय प्रियंका जी का खुद कार्यकर्ताओं को यहां तक कि ब्लॉक अध्यक्षों तक को सीधे फोन आने और उनसे बात लेनी, और हर जगह जहां यूपी पे कोई घटना दुर्घटना होती है वहां सीधा संपर्क करना, जनता से जमीनी स्तर पे जुड़ना, और कार्यकर्ताओं का भी पूरा सम्मान करना, मान करना, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, अगर कार्यकर्ता कमजोर तो पार्टी कमजोर, और कार्यकर्ता मजबूत तो पार्टी मजबूत जी। जसपाल सिंह जी, जिस तरीके से जैसे अन्य पार्टियों से हटकर एक प्रियंका गांधी ने एक अलग सी एक मिसाल पेश की है, एक अलग सी एक अपनी वो रणनीति लेके आए हैं, जिसमें उन्होंने इस बार कांग्रेस में 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है, आप क्या आप इस राजनीतिक दाव को कहां तक सार्थक मानते हैं? मैम पहली बात, राजनीतिक दाव नहीं है ये, माननीय प्रियंका जी का ये कहना है जी कि महिलाओं की सक्रियता राजनीति में उतनी ही जरूरी है जितनी एक महिला की घर में होती है जी। महिलाओं का सशक्तिकरण अगर कोई सच में कर सकता है तो वो माननीय प्रियंका गांधी जी आगे आए हुए हैं, उन्होंने जो 40% महिलाओं की सीटें आरक्षित करते हुए उन्हें चुनाव में मौका दिया जाएगा, जिससे कि महिलाओं को भी बराबर मौका मिले राजनीति में जी। बैठने का, राजनीति में फैसले लेने का, राजनीति में आगे बढ़ने का, जैसे कि हर क्षेत्र में लड़कियों का पूरा योगदान है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, हर क्षेत्र में पायलट बन रही हैं लड़कियां,
बस ड्राइवर तक बन रही हैं, लड़कियां फौज में जा रही हैं, तो हर हर क्षेत्र में लड़कियां जो है वो आगे हो रही हैं, तो राजनीति में पीछे क्यों? जी, तो आप मानते हैं कि राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सही रहेगा महिलाओं को 40% का ये परसेंटेज देना? बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। महिलाओं को 40% नहीं 50% भी दे देना चाहिए, तब भी उचित रहेगा। जी, अगर हम जलालाबाद के समस्याओं पर बात करते हैं तो वर्तमान में जलालाबाद विधानसभा में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका अब तक निराकरण नहीं हो पाया है? जी, जलालाबाद में बहुत सी समस्याएं हैं मैम, जैसे पुल टूट गया, चलिए अकस्मात हो गया है, लेकिन और भी बहुत सी समस्याएं हैं जलालाबाद। स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई पढ़ाई के मतलब विद्यालय वगैरह जो बिल्कुल भी नहीं बने हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। ये कलाम से जो रोड जाता है विक्रमपुर की तरफ, रोड बहुत तंग है, जिससे कि आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ जरूरत है, गड्ढे हैं रोड में, बहुत बुरा हाल है, यातायात नियमों का, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बिजली का इतना बुरा हाल है कि बिजली घरों में आती नहीं है, यहाँ तक कि बहुत बुरा हाल है, सिंचाई के लिए लोगों को बिजली नहीं मिल पाती, डीजल इतना महंगा हो गया है, आमतौर पर जो किसान भाई हैं उन्हें अपनी सिंचाई करने के लिए बहुत दिक्कत है, लंबी लाइनें हैं, बिजली घर है नहीं, तो इस करके बहुत सारी समस्याएं हैं जो जलालाबाद विधानसभा में है। जलालाबाद में अभी तक एक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, बिल्कुल अंबार है समस्याओं का यहाँ पे, जो अभी तक सरकार ने उस तरफ रुख नहीं किया, अभी तक जो बड़ी बड़ी बातें वादे किए करते हैं, अभी तक वहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बिल्कुल मैम, कोई समस्या अगर कोई समाधान नहीं हुआ, बिल्कुल जी, तो अभी जो मौजूदा विधायक है वो इस पे क्या कोई संज्ञान लिया है उन्होंने अभी तक, क्या कर रहे हैं मौजूदा विधायक? मौजूदा विधायक माननीय शरदवीर चौहान जी वो नहीं निकलते, हम लोग अब कुछ दिनों से पीछे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो यही लोग कहते हैं कि विधायक बनने से पहले तो आते हैं, विधायक बनने के बाद नहीं आते, ज्यादा जो है वो समस्याओं से दूर ही रह रहे हैं और कोई विकास किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है, ये हम नहीं यहाँ की जनता कह रही है, और इस बार जनता जो है पूरे बदल मूड में है। जी, तो जब आपकी सरकार अगर आती है तो क्या इन सभी मुद्दों पर क्या आप संज्ञान लेंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल लेंगे, अगर जनता हम पे तो इन सब समस्याओं के साथ जो है निराकरण किया जाएगा, और बड़ी मजबूती के साथ, जैसे इस समय जो है आवारा पशुओं का प्रकोप है, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, किसान अब घर पे सो नहीं पाता, सारी रात बेचारा अपने खेत में पड़ा रहता है, अगर कोई 2 सदस्य है तो भी खेत में है, 4 सदस्य है तो भी खेत में है, 10 सदस्य है तो भी खेत में है, तो सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद बिजली के जो मान लीजिए अगर हमें मौका देती है जलालाबाद विधानसभा की जनता, तो बिजली के लिए यहाँ सोलर प्लांट वाले प्रोजेक्ट लाएंगे, और खेत की बिजली, कृषि वाली बिजली और घर की बिजली दोनों की अलग अलग लाइनों बिछाने का प्रावधान करवाएंगे, ताकि खेत को कम से कम 8 घंटे बिजली मिल सके और घर में 24 घंटे बिजली प्रोवाइड हो सके, और छोटे किसान भाई हैं उनके लिए जो है वो 6-6, 7-7 गांव के बाद छोटी मंडी बनाई जाएंगी, जिसमें वो अपनी रोजमर्रा की फसल जो है वो वहीं नजदीक ही बेच ले। मान लीजिए किसी की अगर कम खेती होती है तो उतना भाड़ा उसे मंडी में ले जाने का लग जाता है, तो वो मंडी में ना ले जाके वहीं छोटी मंडियां बनाई जाएंगी, जिसपे वो अपना रोजगार भी करेगा और संपन्न भी हो जाएगा उससे। उसके बाद हमारा सफाई की तरफ ध्यान है,
ये जब सफाई कराती है नगर पालिका, तो जो नाली का गंद है वो उठा के सड़क पे फेंक देती है, जिससे कि मच्छर मक्खी और बीमारियां फैलती जी। कायदे में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोग इसकी गंदगी जो है वो डायरेक्ट सड़क पे ना गिरा के डायरेक्ट ट्रॉली में गिरा के और एक डंपिंग यार्ड बनाएंगे। प्रॉपर डंपिंग यार्ड के लिए प्रॉपर जगह मुहैया करवाई जाएगी, जहां शहर का पूरा गंद जाके डाला जाएगा और वहां से उसका कोई ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि वो उसको फिर खेती के रूप में जो गला हुआ वो गंद है उसे खेती के रूप खाद के रूप में खेती में इस्तेमाल किया जाएगा जी। और रह गई बात हॉस्पिटल्स की, तो 6-7 गांव पे जैसे हम लोगों ने मंडी बनाने का विचार किया है, उसी तरीके से छोटे क्लिनिक बनाए जाएंगे जो छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वहां हो जाए। जलालाबाद से शहजानपुर बहुत दूर पड़ जाता है और वहां तक पहुंचते पहुंचते ही लोग मरीज आधे रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि ऐसा आने वाले दिनों में भी हो। और हम चाहते हैं कि ये क्षेत्रीय जो छोटी मोटी दवाइयां मिलने की सुचारू रूप से जो एक क्लिनिक टाइप हो, छोटे हॉस्पिटल, वो 6-7 गांवों पे चलाए जाए जी। चशपाल सिंह, जैसे पिछली बार अचानक आपका एक टिकट काट दिया गया था, उसके बावजूद आपने कांग्रेस नहीं छोड़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? टिकट वाला तो चलिए जो है, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है जी। देखिए, आप आजादी का समय देख लीजिए, जो योगदान कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं ने किया है, जो कुर्बानियां कांग्रेस पार्टी के लोगों ने की है, किसी अन्य पार्टी का कोई एक भी नेता ऐसा नहीं है जिन्होंने ऐसा कोई कार्य किया हो। सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी ऐसी है जो किसान के हित में खड़ा होती है, किसान के हित में बात करती है, किसान के लिए सब योजनाएं ही बनाती है। और कांग्रेस तो एक विचारधारा है, जो लोग मेरे जैसी विचारधारा के लोग थे उन लोगों ने बिल्कुल पार्टी नहीं छोड़ी, भले ही उनके टिकट कट गए हो। मान लीजिए पार्टी ने अगर कोई निर्णय ले लिया है, किसी दूसरे क्षेत्रीय दल से समझौता कर भी लिया है, तो उससे हमारे जैसे कई अन्य भाइयों के बहनों के टिकट कटे होंगे, तो जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे वो बिल्कुल भी साथ छोड़ के नहीं गए, आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। और आगे भी मैं आपको ये आपके प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर आज भी पार्टी हमसे कोई मजबूत दावेदार समझ के उसे यहाँ जलालाबाद 132 विधानसभा से चुनाव में लाएगी, तो मैं जी जान तन मन धन से उसका साथ सहयोग दूंगा और पार्टी को विजय विजय बना के यहाँ से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराऊंगा। मेरा मकसद कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है, ना कि खुद अपने लिए कोई राजनीति का वो ग्राउंड बनाना है जी। चशपाल सिंह, जैसे तो वैसे तो आपने कई समस्याओं के निदान पर बात की है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आप किस तरीके से निदान करेंगे, अगर यहाँ की जनता गुरमीत कौर को सेवा का एक मौका देती है तो क्या काम आपकी प्राथमिकता में शामिल होगा? प्राथमिकता में हमारा एक तो सबसे पहले गौशाला होगी जी, जो आवारा पशु जो हमारे किसान भाई, मैं खुद एक किसान हूँ जी, जो अपने किसान भाई रात को सो नहीं पा रहे, उनके लिए ये तो बहुत जरूरी है कि आवारा जानवरों से और जो ये गौ घूम रहे हैं सड़कों पे, उन्हें जो है सुचारू रूप से संचालित, सुचारू रूप से, मैं फिर दोबारा जोर देके कहूंगा, सुचारू रूप से संचालित गौशालाएं बनाई जाएंगी। और बिजली की जो टेल एंड पे गांव है, जैसे हमारा खुद का घर जो है वो लास्ट घर पड़ जाता है, तो बिजली यहाँ पे नहीं आती है जी। जो सक्षम लोग हैं वो तो चलिए इन्वर्टर वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या थोड़े छोटे किसान हैं वो इतना खर्चा नहीं कर पाते, उनके लिए बिजली उतनी ही जरूरी है जितनी की मेरे लिए जरूरी है जी। या हर एक के लिए जरूरी है जी। तो उन्हें जो है वो बिजली 24 घंटे वाली जो है वो लाइनें बिछवाई जाएंगी और खेत वाली लाइनें अलग करवाई जाएंगी, ताकि
खेती के लिए भी उन्हें पर्याप्त बिजली मिल सके और जिससे कि किसान संपन्न हो सके और जो आत्महत्याएं हो रही हैं उससे बच सके। जी जशपाल सिंह, जिस तरीके से आपने अपनी बातें रखी हैं, जिस तरीके से आपने आगे के लिए तैयारी कर रखी है, उसमें आप किस तरीके से लोगों को आश्वस्त करेंगे? क्योंकि लोगों का कहना ये होता है कि जब भी चुनाव आने वाला होता है, चुनाव के दौरान सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, पर उसके बाद चुनाव बीत जाने के बाद कोई भी काम नहीं होता। जिस तरीके से आपने अभी थोड़ी देर पहले ही हमें ये वाली बात बताई थी, तो आप जो योजनाएं लेके आने वाले हैं, उन योजनाओं पर आप किस तरीके से खरा उतरेंगे, किस तरीके से आप वहां के लोगों को आश्वस्त करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 30-32 सालों से सत्ता में नहीं है, तो जो कुछ भी किया है, अभी किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी तो मात्र 10 दिन के अंदर 18,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ कर दिया गया है। तो किसान की हितैषी पार्टी केवल कांग्रेस ही है, जो उन्होंने किया वो कहा वो किया जी। तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जो उन्हें पता है कि भैया जो कहते हैं वो करते हैं, तो वही मेरा तो वही मेन आधार है, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं जी। और जब तक जनता को हम पे विश्वास नहीं होगा तो हमारा कहना करना सब बेकार है, और कही हुई बातें करने, मतलब कहने में कम विश्वास रखता हूं मैं, करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। लेकिन उसके लिए भी एक मौका तो चाहिएगा, लेकिन मैं कर तभी पाऊंगा जब मुझे इस लायक कर दिया जाए जी। अच्छा चश्माल सिंह जी, अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक नारा लगाया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही नारा लगाया है, पुरजोर नारा लगाया है, और हमने अपना जितना भी प्रचार प्रसार किया है माननीय प्रियंका जी के नारे को ही बढ़ावा देते हुए, आप हमारे कहीं भी पोस्टर बैनर फ्लैक्स वगैरह देख लीजिए, सिर्फ यही नारा मिलेगा आपको कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। यही नहीं है कि खाली पुरुषों को अधिकार मिल गया है कि वही चुनाव लड़ सकते हैं या वही क्षेत्र की समस्याएं लेके लड़ सकते हैं, वही पुरुष ही सब काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बराबर की हकदार हैं, 40% नहीं, कम से कम जब हम लोग उन्हें बराबर की हकदार कहते हैं तो 50% लगभग जो है वो भी हो जाए। माननीय प्रियंका गांधी अगर कल को 50% भी कर दे देंगी तो भी उसमें कोई गलत नहीं होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे कि लोगों से अपने? मैं आपके सबसे पहले आपके चैनल के यहाँ पे कैमरामैन जी आए हुए हैं, और आप सब चैनल वाले जो भी चैनल के सामने से काम करते हैं और जो भी चैनल को किसी भी तरीके की सपोर्ट करते हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करता हूँ, जो आज इन्होंने मुझे जनता से रूबरू होने का मौका दिया और मुझे अच्छे तरह से कवरिंग दी इन्होंने, और मेरी बात जो है वो मेरी विधानसभा 132 जलालाबाद के लोगों तक पहुंचाई और जन जन पहुंचा रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद हूँ। और मैं आपके प्राइम चैनल के माध्यम से 132 विधानसभा जलालाबाद के लोगों से तो अपील करूंगा ही, मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि माननीय प्रियंका गांधी जी को एक बार आप मौका दीजिए। 30-32 वर्ष हो गए हैं हम लोग सरकार में नहीं है, आप एक बार प्रियंका जी को मौका दे के देखिए, जो वो कहती हैं वो करती हैं। वो माननीय इंदिरा जी की छवि है, वो उसे धूमिल नहीं होने देंगी, इस बात का यकीन कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के और ज्यादा से ज्यादा प्रियंका जी द्वारा खड़े किए गए हुए विधायकों को सपोर्ट करके, वोट देके विजयी बना के उन्हें जो है सत्ता में लाइए, और जो प्रियंका जी ने वादे किए हैं वो देखिए कि किस प्रकार पूरे होंगे। मेरी यही जनता से अपील है, मैं जनता से उम्मीद भी करता हूं कि जब सबको इतनी बार मौका दे दिया गया है
तो एक मौका जो है प्रियंका गांधी जी को भी इस बार देना चाहिए और जरूर देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया चशपाल सिंह जी आपका प्राइम चर्चा में इस समय देने के लिए। तो ये थे शाजापुर के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चशपाल सिंह उर्फ राजा भैया, जो लगातार जनता की सालों से सेवा करते आए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आज तक जनता की सेवा की है वो आगे भी करेंगे, और अगर जनपद की जनता हमको इस विधानसभा चुनाव में सेवा का अवसर देती है तो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। वहीं कांग्रेस के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी विपक्ष के बड़े नाम के रूप में जनता के बीच सामने आ चुकी है और उससे कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस ही आज की जनता की आवाज है और उत्तर प्रदेश में भाजपा का बेहतर विकल्प बन चुकी है। आज के प्राइम चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। अगली प्राइम चर्चा में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम चर्चा प्राइम टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।